हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रजनी क्लासेस। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हंटिंग एंड गैदरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट एग्रीकल्चर। एज वी नो दैट एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ मैन, बिकॉज इट प्रोवाइड्स फूड एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इम्पोर्टेंसेज बेस पे हम इसको समझने के लिए तीन पॉइंट्स देखते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर। कि हम ये देखते हैं कि डिपेंड बता रहे हैं हम यहाँ पे कि जो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें से हाफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं। सेकंड पॉइंट हम इसमें देख सकते हैं, इन डेवलपिंग कंट्रीज 65% पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर। कि जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, उसमें 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल जो वर्क है उसी पर डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट में हम इसमें देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP हैज़ इंक्रीज्ड इन 17 to 29%। कि हम जो GDP देखते हैं वो ओवर द ईयर्स में वो कितना इंक्रीज होता है, 17 to 29%। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ मैन। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम की। एग्रीकल्चर सिस्टम, इन एग्रीकल्चर सिस्टम वी डिवाइडेड एग्रीकल्चर, जो भी जिस टाइप का एग्रीकल्चर हो रहा है वर्ल्ड में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्टली जो हमारा आता है इसमें आता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन द वर्ल्ड हैव स्मॉल पीस ऑफ लैंड ऑन विच दे ग्रो फूड क्रॉप्स टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। इन सिंपली वी सेज दैट फार्मर अपनी और अपनी फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस एग्रीकल्चर को करता है उसको हम सब्सिस्टेंस या निर्वाह कृषि कहते हैं। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को भी हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका फर्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी कि अब हम इसमें क्या देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को देख सकते हैं। फर्स्ट इसमें हमारा आता है इट इज फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ मैन। मीनिंग है कि हम इसमें बोल सकते हैं कि जो सब्सिस्टेंस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था वो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ मैन, कि जो अपने सब्सिस्टेंस को या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर किया गया फर्स्टली वो हमारा था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ओके, सेकेंड पॉइंट में हम इसमें बात करते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन दोज एरियाज विच हैव स्मॉल लैंड स्मॉल पीसीज ऑफ लैंड। कि हम बता सकते हैं कि स्मॉल पैचेस पे ये किया जाता है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, कि जो भी लैंड है उसमें से स्मॉल पैचेस पे ये किया जाता है, कौन सा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। थर्ड पॉइंट इज दिस मॉनसून डिपेंडेंट। मॉनसून डिपेंडेंट मीन्स इसमें कोई भी इरिगेशंस के मेथड्स को यूज़ नहीं किया जाता। कोई भी जो एग्रीकल्चर जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो मॉनसून डिपेंडेंट ही होता है। फोर्थ पॉइंट में हम इसमें कर सकते हैं फूड क्रॉप्स, कि जो मेनली जो ग्रो करते हैं ऑल फार्मर्स ग्रो फूड क्रॉप्स टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। वो भी कोई भी कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो नहीं करते हैं इसमें, क्यों, क्योंकि उनको सिर्फ जो ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए करते हैं। तो हम इसमें जो कह सकते हैं कि फूड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा इसमें आता है यूज ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव टूल्स, सॉरी,
प्रिमिटिव टूल्स का मीनिंग होता है कि जो भी यूजेज हैं यहाँ पे मशीनरीज और जो हमारे मॉडर्न इनपुट्स का उनका लेस यूजेज करते हैं वो इसमें, और जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किसका करते हैं, प्रिमिटिव टूल्स का. प्रिमिटिव टूल्स लाइक वुड स्टिक्स, हॉय, डाउ, इनका यूजेज ज़्यादा करते हैं कि जो भी उनके पास अवेलेबल है उन्हीं का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कि एरियाज ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. जब हम इसके एरिया को देखते हैं, एरियाज ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो इसके एरियाज में हम थ्री पॉइंट्स में उनको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि जो भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, उनमें सभी में जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस या हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो कहते हैं वो किया जाता है. सेकंड पॉइंट हमारे इसमें आता है सेंट्रल अफ्रीका. सेंट्रल अफ्रीका के बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर मीन्स जो भी इक्वेटर है जो जीरो डिग्री इक्वेटर जा रही है उसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न दोनों तरफ जो किया जाता है, यहाँ पे भी करते हैं और यहाँ पे भी. तो जो सेंट्रल अफ्रीका के बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर, ये इसका आता है हमारा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के एरियाज में. थर्ड पॉइंट हमारा इसमें आता है सेंट्रल अमेरिका एंड साउदर्न अमेरिका. ये थ्री पॉइंट्स हमारे किसके एरियाज ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के. नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि हमने पहले बताया था सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के टू पार्ट्स होते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सेकंड हमारा इसमें होगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, एज वी नो दैट दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड ऑन दोज एरियाज विच हैव हाईली पॉपुलेटेड प्रेशर ऑन लैंड. कि जब हम इसमें कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में हम इसमें कह सकते हैं कि वो उन एरियाज में किया जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन का प्रेशर लैंड पर सबसे ज़्यादा होता है, तो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज. हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को किया जाता है. सेकंड पॉइंट हमारे इसमें आता है कि मॉडर्न इनपुट्स का यूज करते हैं, मॉडर्न इनपुट्स की यूजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. मॉडर्न इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, मशीनरीज का यूज करते हैं, कौन से में, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में. थर्ड पॉइंट में हम इसमें कह सकते हैं कि हाई प्रोडक्टिविटी के लिए करते हैं, जो इस टाइप का जो एग्रीकल्चर किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा कि हाई प्रोडक्टिविटी, कि हाई प्रोडक्टिविटी चाहते हैं वो, कि जो भी वो यूजेज कर रहे हैं लैंड से जो प्रोडक्शन हो उनकी, फार्म प्रोड्यूस वो हायर हो. नेक्स्ट इसमें हमारा आता है लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव का मीनिंग है यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑन दोज वर्क विच डिपेंड्स ओनली स्किल ऑफ लेबर्स और स्किल ऑफ वर्कर्स, कि जो वर्कर्स के स्किल पर डिपेंड करते हैं उनको हम लेबर इंटेंसिव बोलते हैं. तो जो भी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है उसमें लेबर इंटेंसिव किया जाता है. फिफ्थ पॉइंट में हमारे इसमें आता है इरीगेशन. इरीगेशन का मीन्स होता है कि ये कोई भी जो हमारे हमने पहले बात की थी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मॉनसून डिपेंडेंट होता है, बट जो हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो इरिगेशन पर डिपेंड करता है, उसमें कोई भी मॉनसून पर डिपेंडेंसी नहीं होती, इरिगेशन मेथड्स इसमें अप्लाई किए जाते हैं. तो इस टाइप का जो भी आते हैं वो हमारे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें वो क्या है कि अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया में किस टाइप के एग्रीकल्चर किया जाता है, ऑन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया हैव, तो वो हम उसमें बता सकते हैं कि इंडियन फार्मर्स
ओनली इंटेंसिव फार्मिंग, कि जो इंडिया में जो फार्मिंग की जाती है वो कैसी इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है. क्यों? क्योंकि उसके अभी पॉइंट्स हैं, हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, इरीगेशन के मेथड्स को यूज़ करते हैं, लेबर इंटेंसिव हाई प्रोडक्टिविटी के लिए. तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के लिए थे. नेक्स्ट हमारा इसमें भी आता है कि एरियाज ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कि इसके एरियाज कौन कौन से होंगे. इसमें इसमें जो हमारे एरियाज होते हैं वो होते हैं मॉनसून रीजन्स ऑफ एशिया. मॉनसून रीजन्स ऑफ एशिया, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने का वो क्या है कि मॉनसून रीजन्स, ये जो एग्रीकल्चर है ये कहाँ पे किया जाता है, कि जहाँ पे मॉनसून टाइप क्लाइमेट मिलता है. लाइक इंडिया में, इंडिया में कैसा क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप है. तो इंडिया के नेबर कंट्रीज़ में भी किस टाइप का है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट मिलता है. तो मॉनसून टाइप क्लाइमेट में को हम किस में डिवाइड करते हैं, मॉनसून रीजन्स ऑफ एशिया, लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, जापान एट्सेट्रा, कि मॉनसून रीजन से एशिया में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग. टाइप्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और फार्मिंग, वी डिवाइडेड टू पार्ट्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर टाइप्स. फर्स्ट, डोमिनेटेड बाय वेट पैडी क्रॉप्स. वेट पैडी क्रॉप्स, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर राइस इज द मोस्ट डोमिनेंट क्रॉप. इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राइस की जाती है. फर्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या बता सकते हैं, राइस इज द मोस्ट डोमिनेंट क्रॉप. सेकेंड इसमें आता है मैनुअल लेबर. ऑल वर्क डन बाय फार्मर एंड हिज फैमिली मेंबर्स इज नो दैट मैनुअल लेबर. थर्ड पॉइंट, स्मॉल लैंड होल्डिंग. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर डन ऑन स्मॉल लैंड होल्डिंग ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे जो कल्टिवेशन या एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड अवेलेबल होती है वो स्मॉल लैंड होती है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग इन ड्यू टू हाई पॉपुलेटेड एरियाज और ड्यू टू डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है लेस यूज ऑफ मशीन्स. किसमें मशीन्स का यूज़ कम किया जाता है, जैसे हमने पहले बात की कि ऑल वर्क्स डन बाय फार्मर एंड हिज फैमिली मेंबर्स. मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है, मशीन वर्क कम होता है इसमें. फोर्थ पॉइंट में हम इसमें बता सकते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याइल्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो. कि पर यूनिट एरिया, जो एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्टिविटी को देखें तो वो कैसे हाई है, क्योंकि हमने बात की थी कि इसमें स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती है, यूजेज ऑफ लैंड स्मॉल होता है, बट लेबर वर्क ज़्यादा होता है. और लेबर के अकॉर्डिंग अगर हम पर लेबर कि प्रति व्यक्ति अगर उत्पादन देखते हैं तो वो कैसा होता है, कम. और प्रति इकाई अगर हम प्रोडक्टिविटी या उत्पादन देखते हैं तो वो कैसा होता है, ज़्यादा. ये कुछ पॉइंट थे हमारे जो डोमिनेटेड बाय वेट पैडी क्रॉप्स. वेट पैडी क्रॉप्स यानी कि राइस के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं. नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज डोमिनेटेड बाय अदर देन पैडी क्रॉप्स.
नेक्स्ट इसमें आता है हमारा डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी. इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अदर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द प्लेस ऑफ राइस. इसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारे इसमें आएगा अदर क्रॉप्स आर मोस्ट डोमिनेंट. अदर क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, सोयाबीन की इनकी प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा की जाती है राइस की जगह पे. सेकंड पॉइंट हमारे इसमें आता है इरिगेशन. इसमें मॉनसून डिपेंडेंट नहीं होती, रेनफॉल अवेलेबिलिटीज नहीं होती, तो इरिगेशन मेथड्स का यूज करते हैं हम इसमें. थर्ड में हम इसमें कह सकते हैं इनसफिशियंट रेनफॉल एरियाज. इनसफिशियंट रेनफॉल एरियाज इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर डन ऑन दोज एरियाज विच हैव नॉट सफिशियंट रेनफॉल. कि जहाँ पे रेनफॉल राइस की प्रोडक्शन के लिए सफिशियंट नहीं होता वहाँ पे हम अदर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो इनसफिशियंट रेनफॉल एरियाज में हो सकता है. अदर फैक्टर्स लाइक सॉइल एंड रिलीफ आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस. सो ये हमारे फोर पॉइंट्स हैं डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडीज. एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम इज कमर्शियल एग्रीकल्चर. कमर्शियल एग्रीकल्चर इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली फॉर मार्केट पर्पज. अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फार्म प्रोड्यूस कंज्यूम एट होम एंड द मेन एम ऑफ द फार्मर्स इज हायर प्रोडक्टिविटी एंड इनहेंस द इनकम लेवल. ओके एंड विद द हेल्प ऑफ सम पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड ईजिली कमर्शियल एग्रीकल्चर. एंड द फर्स्ट पॉइंट इज यूजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. कमर्शियल एग्रीकल्चर में जो यूजेस होते हैं मॉडर्न इनपुट्स के किए जाते हैं. मॉडर्न इनपुट्स लाइक बायोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड HYV सीड्स, हाई एल्ड वेराइटीज सीड्स का इसमें यूज ही होता है हमारे कमर्शियल एग्रीकल्चर में. सेकंड पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं यूजेस ऑफ साइंटिफिक मेथड इन इरिगेशन. कि इरिगेशन में क्या करते हैं साइंटिफिक मेथड्स मॉडर्न इनपुट्स का यूजेस करते हैं. मॉडर्न जो टेक्निकल यूजेस हो रहे हैं और यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाता है. थर्ड पॉइंट हमारे इसमें आता है लार्ज स्केल एरिया. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज स्केल एरिया. एंड फोर्थ पॉइंट हायर प्रोडक्टिविटी. हायर प्रोडक्टिविटी द मेन एम ऑफ द फार्मर्स इन दिस फार्मिंग इज हायर प्रोडक्टिविटी. कि वो चाहते हैं कि जो जो प्रोडक्शन हो वो हायर लेवल पे हो. फिफ्थ पॉइंट हम इसमें बता सकते हैं ऑल वर्क्स डन विद मशीन. कि जितना भी वर्क होता है वो सभी मशीन से होता है. जैसे हम बता सकते हैं फ्रॉम प्लॉइंग टू हार्वेस्टिंग ऑल वर्क्स डन विद मशीन्स. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे हम कमर्शियल एग्रीकल्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा इसमें आता है एरियाज ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर. एरियाज ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर तो एरियाज की जब भी हम बात करते हैं कि जो हमारे कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग के जो एरियाज थे वही हमारे कमर्शियल एग्रीकल्चर के एरियाज आते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में रीड किए थे. अब इसमें हम बता सकते हैं जैसे प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पंपास इन साउथ अमेरिका, वेल्ट्स इन अफ्रीका एंड डॉन्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड स्टेपीज इन यूरेशिया एंड कंट्रीब्यूटरी प्लेन्स इन न्यूजीलैंड. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम एरियाज डिवाइड करते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर का. नेक्स्ट हमारा इसमें आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर.
कमर्शियल एग्रीकल्चर के बाद हम करते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर कि जो एंड दिस एंड द यूजेज ऑफ एक सिंगल क्रॉप ऑफ ए बिग लैंड कि हम एक सिंगल क्रॉप का यूज करते हैं बड़े एरिया पर, वो हमारे होते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के फीचर्स सेम है जो हमारे कमर्शियल एग्रीकल्चर में आते हैं, कुछ डिफरेंस है वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे इसमें आता है रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जो रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट की। व्हाई द रिक्वायर्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, टू लिंक द एस्टेट विद मार्केट एंड फैक्ट्रीज कि जहाँ पे भी हमारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर जहाँ पे हो रहा है उस प्लेस को मार्केट्स और फैक्ट्रीज तक जब कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए ट्रांसपोर्ट की नीड होती है। सेकंड पॉइंट हमारे इसमें आता है रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर। जो हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर है उसमें मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है, मशीन्स का भी यूज़ होता है बट मैनुअल वर्क्स भी ज़्यादा होता है, उसके लिए हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। स्किल्ड लेबर जैसे हमारे इंटेंसिव लेबर आती है कि जिसमें जो फोकस किया जाता है वो स्किल ऑफ लेबर्स का होता है। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट हमारा आता है रिक्वायर्ड ऑफ लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कि इसमें रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कि हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे, जैसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए जो हमारे क्रॉप्स होंगी लाइक टी लीव्स, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, तो उनके लिए हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल सॉरी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एरियाज ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें जब हम एरिया की बात करते हैं तो फर्स्टली हमारा आता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ एशिया। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ एशिया, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो हमारे 0 डिग्री इक्वेटर हैं उसके 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ठीक है, कि जो हमारे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज को कवर करती हैं। इसमें 0 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री टू 35 डिग्री साउथ, तो यहाँ पे जो एरियाज कवर करते हैं वो हमारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के एरियाज में आते हैं। जो मेनली है वो यही है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ एशिया में ये प्लांटेशन की जाती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच द एनिमल्स आर रियर्ड फॉर मिल्क एंड द एम्फेसाइज ऑफ सम पॉइंट्स। फर्स्ट इज रियरिंग मिल्क एनिमल्स, सेकेंड इम्प्रूवमेंट of breeding cattles कि मिल्च एनिमल्स को रियरिंग किया जाता है और जो भी उनके कैटल्स की जो ब्रीडिंग है उसका इम्प्रूवमेंट में इसमें एम्फेसाइज किया जाता है। थर्ड हमारा आता है हेल्थ केयर ऑफ कैटल्स कि जो भी कैटल हैं उनकी हेल्थ केयर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फोर्थ हम इसमें कह सकते हैं लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे डेयरी फार्मिंग के लिए आते हैं। अब इसमें हम कुछ जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं जिनको हम फैक्ट बोल सकते हैं उन पर हम बात कर लेते हैं, जिनको हम नोट्स भी कर सकते हैं।
फर्स्ट द ब्रीड्स ऑफ वर्ल्ड, सॉरी द ब्रीड्स इन वर्ल्ड 1000 एंड द ब्रीड्स इन इंडिया 27. तो यहाँ पे हम बात करें कि जो ब्रीड्स हैं कि जिनको हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में कितने हैं, 1000 हैं और इंडिया में 27 हैं. सेकंड पॉइंट हमारे इसमें ग्लोबल डेंसिटी ऑफ कैटल इन वर्ल्ड इन 2010 वाज 29 कैटल पर हेक्टेयर एंड इन इंडिया द डेंसिटी ऑफ कैटल वॉज 12.8 कैटल पर 100 हेक्टेयर इन ग्रॉस क्रॉप्ड एरियाज. कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम रिमेंबर रख सकते हैं डेयरी फार्मिंग में, जिसमें हम ब्रीड्स की बात करें कि वर्ल्ड में 1000 हैं और इंडिया में 27 हैं, एंड ग्लोबल डेंसिटी की जब हम बात करें थे 2010 में तो 29 कैटल इन पर हेक्टेयर ग्लोबल डेंसिटी देखते हैं हम वो, और इंडिया में वो डेंसिटी ऑफ कैटल है 12.8 कैटल पर 100 हेक्टेयर्स इन ग्रॉस क्रॉप्ड एरियाज. जो सबसे ज़्यादा हम ग्लोबल डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैटल्स कहाँ पर मिलती हैं, वर्ल्ड की जो टोटल कैटल्स हैं उनका 13% हमें मिलता है सेंट्रल एशिया में. उसमें जो कंट्रीज़ हैं उनमें उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं. ठीक, कुछ पॉइंट्स थे हमारे डेयरी फार्मिंग के जो हमने वर्क कर लिया है, और जो हमारा कुछ इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ में रहता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, प्राइमरी एक्टिविटीज़ पार्ट 3. थैंक यू.